नमस्ते दोस्तों, आइए आज किरण के चौका में आपका स्वागत है। आइए चलिए हम ढोकला बनाते हैं। ये देखिए बेसन है जो हम कटोरी से नाप लिए हैं, झटपट बनने वाला ढोकला। बेसन को इसमें हम डाल दिए, ये थोड़ा सा 1 चम्मच सरसों तेल डाल लिए, ये चीनी चम्मच से 1 चम्मच चीनी डाल लिए, ये नींबू आधा है, हम नींबू भी डाल लेंगे। बहुत झटपट नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए आधा हम नींबू भी डाल लिए, नींबू भी डाल दिए इसमें। अब आइए इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। देखिए आप स्वाद अनुसार नमक डाल दें। ये देखिए दोस्तों गैस जला लिए, भगोना रख दिए, तब तक इसमें हम पानी रखते उबाल आने के लिए। ये देखिए 1 कटोरा पानी इसमें डाल दिए, फिर आधी कटोरी इसको बराबर से हम ढक देंगे प्लेट से, तब तक पानी में हल्का उबाल आ जाए। आइए तब तक हम आगे की दिखाते हैं। आइए दोस्तों अब इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, इसमें पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम एक तरफ लाते हुए इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे कि गुठली ना रहे एक भी। ये देखिए इसमें और थोड़ा पानी डालें हम, इसमें 1 चुटकी हम हल्दी डाल देंगे 1 चुटकी कलर के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से मुझे डो चाहिए। आइए हम दूसरे बर्तन में इसको हम डाल लें। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से किसी बर्तन में हम कटोरे में ले लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम तेल लगा देंगे इसमें हल्का सा। देखिए सरसों तेल, सरसों तेल में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, कोई भी तेल में बना सकते हैं। इसको हम साइड में रख लें, कम कीजिए ना सर। ये देखिए 1 पैकेट इनो है तो काट लिया हम इसे, इसे धीरे से वो हम खोल कर और इस तरीके से मिक्स कर देंगे जल्दी जल्दी। ये देखिए दोस्तों मिक्स हो गया इसमें इनो। इस बर्तन में ना जो तेल लगा के रखे थे हम इसमें पलट लेंगे। कुछ इस तरीके से ही डो रखिएगा, पतला सा, ज़्यादा ना पतला ना गाढ़ा। इस तरीके से 1-2 बार आप कर लें टैप और ठोक लें पानी के अंदर। इस तरीके से कुछ प्लेट रख लें छोटा सा इसी के अंदर, ये ध्यान से रखिएगा कि हाथ ना जले। इस तरीके से रख दें, ऐसे ढक दें और इसको कम से कम मीडियम आंच पे इसको हम 20 मिनट से लेके 25 मिनट तक छोड़ देंगे। चलिए तब तक ढोकला की हम चटनी बना लें। धनिया पत्ता, लहसुन पत्ता, मिर्ची, ये टमाटर ये आग पर पकाएंगे। देखिए गैस चला लिए, गैस पर हल्का सा इसको पका लेंगे। देखिए टमाटर पक गया, इसको उतार लेंगे। इसको काट के हम गर्मी हम डाल देंगे, इसका छिलका ये सब उतार देंगे। काली हम पीस के दिखाते हैं दोस्तों। स्वाद अनुसार नमक डाल दिए चटनी में, तेल डाल देंगे सरसों, चटनी बन के रेडी। आइए दोस्तों एक बार हम खोल के फिर से देख लें, इसको चेक कर लें ये चाकू की सहायता से इस तरीके से। ये देखिए कितना क्लीन आया है ना, हो गया पक गया। अब गैस कर देंगे बंद और इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। दोस्तों छिलका की सहायता से इस तरीके से हम इसको बाहर निकालते हैं। ये दोस्तों ये देखिए जब अच्छे से पक जाएगा ना तो आप ऐसे पलट दीजिएगा ना, तो खुद से ऐसे टप कर दीजिएगा हाथ से, तो खुद इन पर खुद निकल जाएगा। ये देखिए जब अच्छे से पकता है तब ये देखिए कितना स्पंजी बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हम इसको चाकू की सहायता से इस तरीके से हम काट लें। ये देखिए कितना स्पंजी बना है, ये दिखाते हैं हम आपको उठा के। ये देखिए इसको हम काट लेते हैं दोस्तों, तब तक तड़का लगा लें। ये देखिए कड़ी पत्ती है, हरी मिर्च काट ली। देखिए दोस्तों कलछुल में हम तेल डाल दिए हैं, ये चूल्हा पर कलछुल में ही तड़का लगाया। आधा चम्मच राई डाल दिए हम इसमें, राई चटक जाए। ये देखिए राई चटकने डाल देंगे, हरी मिर्च, कड़ी पत्ती, आधा चम्मच हम इसको चला के पका लें अच्छे से।
कर दिए बंद, और इसको ले आके इस पर हम तड़का लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों तड़का लगा दिया, कुछ धनिया पत्ता इस तरीके से हम डाल देंगे। देख इतना यमी लग रहा है ना, देख रहे हैं टेस्टी। ये हम प्लेट निकाल के हम दिखाते हैं, अपना टेस्टी ढोकला बना है जल्दी से, मतलब 25 मिनट टोटल लगा है बनाने से लेकर। ये देखिए आप दिखाते हैं, ये देखिए कितना स्पंजी जाले। आइए दोस्तों ये हरी चटनी आप लोग भी खाइए, वीडियो पूरा पूरा देखिए। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर बटन के जरूर आप दबाएं। नमस्ते, बाय बाय।